सो गाइस, आज मैं जो ऑडिशन के टिप्स देने वाली हूँ वो खुद मैंने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ या जो मैं शेयर करूंगी। सो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना, क्या पता इनमें से जो पॉइंट्स है कुछ पॉइंट्स आपके काम आ जाए और आपका कहीं काम बन जाए। सो वीडियो स्किप मत करना गाइस, एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं सबको रेकमेंड करूंगी या सबको कहूंगी कि ये आपके पास होना ही चाहिए, वो है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड बहुत अलग अलग प्राइजेस के आते हैं। मैंने अभी जिस ट्राइपॉड पर अपना मोबाइल लगाया है ये 350 समथिंग का ट्राइपॉड है और इसकी जो हाइट है बहुत ही अच्छी है, 5 फीट तक ये आ जाता है। तो 350 रुपीज, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही ज्यादा है। 350 रुपीज कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ट्राइपॉड होने का फायदा ये है कि अब मैं एकदम कंफर्टेबल, बिना अपना हाथ बार बार वहां मोबाइल एडजस्ट किए, आराम से बैठकर बात कर सकती हूँ। ट्राइपॉड होने से ना आपके फोन में एक स्टेबिलिटी आती है, एंड 350 बहुत नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो ट्राइपॉड आपके पास होना ही चाहिए। मैंने ये अमेजोन से लिया था समथिंग कुछ, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैंने 350 में लिया था, अब मुझे प्राइस नहीं पता, बट मैं यहाँ पर वो ऐड कर दूंगी। ट्राइपॉड अगर आपके पास नहीं है तो आप ये ले सकते हो, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड मैंने बहुत यूज किया ये ट्राइपॉड, तो अभी तक तो ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल भी कुछ खराब नहीं हुआ है। सो ट्राइपॉड से क्या होता है ना, ये जो मोबाइल एडजस्टमेंट होता है ना, वो मोबाइल की जो फ्रेम होती है वो बिल्कुल सीधा स्टेबल रहता है, वो थोड़ा टेढ़ा ऐसा ऐसा। आप किसी पे टिका दोगे ना, अगर खिड़की पे टिका दोगे, किसी चीज पे रख दोगे, तो वो गिर जाता है, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ऐसा ऐसा एंगल्स बदल जाते हैं। तो ट्राइपॉड पे आपको ये सब कुछ नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, आपका फोन बिल्कुल उसी एंगल पे रहेगा, आप एकदम हैंड्स फ्री रह सकते हो। तो ट्राइपॉड तो मस्ट है, हर कोई परचेस कर सकता है, सो रखना चाहिए एक ट्राइपॉड। नेक्स्ट पॉइंट है साउंड प्रूफ रूम। देखो, अब मैंने माइक लगाया हुआ है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग माइक परचेस करो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। मैंने माइक अभी परचेस किया है, 2 महीने हुए हैं, उसके पहले मैंने माइक नहीं लिया था, कोई भी माइक नहीं लिया था। मैं फोन से ही अपना आवाज रिकॉर्ड करती थी और बहुत अच्छा आ जाता है आवाज फोन से भी। तो आपकी जो साउंड क्वालिटी है ना, वो आप जब भी ऑडिशन बनाकर भेजो तो आपके आजू बाजू में ऐसे डिस्टरबेंस वाली वॉइसेस नहीं चाहिए। मैं अपना जो विंडो है ना वो पूरा क्लोज कर लेती थी माइक से पहले, विंडोज क्लोज करके, कर्टन्स बंद करके, फैन ऑफ करके, फिर मैं अपना ऑडिशन बनाती थी। तो आप ट्राई करना कि जब भी ऑडिशन भेजो तो आजू बाजू के जो साउंड है वो डिस्टर्बिंग ना हो, आपका ऑडिशन सिर्फ आप सुनाई दो। एंड ऑडिशन बनाते टाइम कभी भी यहां से नहीं बोलना है, आपको पेट से बोलना है, आपकी आवाज पेट से आनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर लाइट। अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि आप परचेस करो, रिंग लाइट लो, ये लाइट लो, वो लाइट लो, कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना, मैंने कोई लाइट नहीं लगा रखा है, मैंने अपना विंडो ओपन करके रखा हुआ है और मैं विंडो में बैठी हूँ, तो ये बाहर का जो भी लाइट आ रहा है मुझ पर, दैट्स इट, इनफ है। मैं उस लाइट में अभी ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं, मेरे पास रिंग लाइट्स वगैरह है बट उसमें मुझे वीडियोस इतनी अच्छी नहीं लगती है, मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं दिन में अपने ऑडिशंस भेजू। मुझे कभी इमरजेंसी अगर आ जाता है इवनिंग के बाद कोई ऑडिशन, तो फिर मैं अपना कर्टन्स बैकग्राउंड रखती हूँ एंड अपना रिंग लाइट यूज कर लेती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं उन्हें पूछ लेती हूँ कि मैं कल सुबह भेजू आपको, नेचुरल लाइट में भेजू, तो मैं नेचुरल लाइट का ट्राई करती हूँ। ट्राई करना कि आपका जो लाइट है वो प्रॉपर हो, आप बाहर से जो लाइट मिलेगा उसमें आप ऑडिशन बनाओ, क्योंकि उसमें आप बिल्कुल भी ओरिजिनल लगोगे। जैसे आपको जो शेड आपका है, आपका जो फेस है या आपका जैसा भी टेक्सचर होगा, वो सब ओरिजिनल दिखेगा। जो नेचुरल लाइट है सबसे बेस्ट है, तो लाइट प्रॉपर होना, ये एक पॉइंट था हमारा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर क्या कपड़े पहनता है, कैरेक्टर कौन है, उस हिसाब से रेडी हो जाओ। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने आज तक, मैंने हमेशा चीज ये की है, मुझे कोई भी ऑडिशन आ जाए, कोई भी लड़की का, गांव की लड़की का मैंने कल ऑडिशन किया था तो मैं गांव वाली लड़की दिख रही थी, मैंने नागिन का किया था तो मैंने नागिन जैसा मैं रेडी हुई थी। परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीजें पड़ी होती है घर में, DIY कर लो, कुछ भी एडजस्ट हो जाता है सब चीज। मैं यहाँ पर वो नागिन वाली पिक्चर ढूंढ के कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पे डाल दूँ। मैंने क्या किया था ना कि
वो जो होता है कान का लगाने वाला, वो निकाला था, वो यहाँ पर लगाया था, फिर यहाँ से ऐसे अटकाया था, एंड कुछ मेरे पास चोकर थे, मैंने वो हाथ में ऐसे लगा लिए थे। ऐसी सब चीजें मैंने एडजस्ट कर मैं नागिन का थोड़ा दिखने का ट्राई कर रही थी। मैंने यहाँ भी ज्वेलरी का ही लगाया था कुछ। तो ऐसे चीजें कर ना आप अपना जो कैरेक्टर है उस हिसाब से रेडी होने की कोशिश करो। उससे क्या होता है ना कि जो ऑडिशन देखने वाले होते हैं वो जो जिन्होंने लिखा होता है उनका एक इमेजिनेशन होता है कि हमारा कैरेक्टर ऐसे दिखेगा। तो आप अगर थोड़ा सा भी उनके कैरेक्टर के आसपास कहीं से कहीं आसपास भी जाओ ना तो वो आपको इमेजिन करते हैं उस कैरेक्टर में। एंड जरूरी नहीं है कि आपके पास सब चीजें अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है कि आपको ऑडिशन देने के लिए कुछ जाकर नया खरीदना है, कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें अपने घर में ही पड़ी होती है, आप उन्हीं चीजों को यूटिलाइज करके उस कैरेक्टर के लिए कुछ ना कुछ तो बना के भेज सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को एक्टिंग करनी है, बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री में काम करना है। आप जब अपने घर से दूर आते हो, आपको एक्टिंग करनी है, तो आप सबसे पहले अपने साथ लेकर आओ पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको हर एक दिन ऑडिशन देना पड़ता है, आपको हर एक दिन ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर ऑडिशन चल रहा है, मैं कहाँ पर जाऊँ ऑडिशन देने के लिए। मैं अभी भी सेम चीज करती हूँ। जब भी कभी मुझे ऑडिशन 2-4 दिन नहीं आता ना, तो मैं सोचती हूँ यार मुझे ऑडिशन क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या हो गया, लोग मुझे भूल गए, कास्टिंग वाले सब मुझे भूल गए, मुझे कोई रिक्वायरमेंट का मैसेज क्यों नहीं भेज रहा है, ऐसे हो जाता है मुझे। रोज ऑडिशन बनाओ, रोज ऑडिशन भेजो लोगों को, ट्राई करो कि पूछो, आप लोगों से अपडेट लो कि क्यों नहीं है ऑडिशन, कुछ है तो बताइए हमारे लिए। पेशेंस रखो, बहुत जल्दी आपका पेशेंस जो है आपको बहुत अच्छे मीठे मीठे फल देगा। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, कोशिश करनी होगी, हर एक वो कोशिश करनी होगी। तो ये जो पॉइंटर्स मैंने दिए हैं जितने भी, ये सब मैंने अपने आप में लाए हैं, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, और जो इजी लगा मुझे, जो इजी वर्ड में मैं आपको बता सकती थी मैंने वो बताया। मैं एक एक्सपीरियंस मेरा और शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने सीता का ऑडिशन दिया था, जो अभी मैंने जो शो किया था सोनी टीवी का, तो उस टाइम पे ना उन्होंने बहुत सारी लड़कियों का ऑडिशन लिया था, तो उन्होंने मुझे रेफरेंस ऑडिशंस भेजे थे। एक भी लड़की का ऑडिशन गेटअप में नहीं था, किसी ने जीन्स टॉप में ऑडिशन दिया था, किसी ने पंजाबी सूट पहन कर दिया था, किसी ने लहंगा पहन कर ऑडिशन किया था। उन सब ऑडिशंस में सिर्फ एक मेरा ऑडिशन था जो मैंने उनके कैरेक्टर के आसपास थोड़ा सा उनके शो को देख कर रेडी होकर बनाया था, वो सिर्फ मेरा ऑडिशन था। तो उससे क्या हो गया ना कि उन्हें पता चल गया कि मैंने एफर्ट्स लिए हैं, उन्होंने इमेजिन कर लिया कि मैं उस कैरेक्टर में ऐसे दिखूंगी, तो मेरा ऑडिशन चैनल के पास चला गया और चैनल ने मुझे डन कर दिया। तो ये छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस है जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप इजी वे में इजी ऑडिशंस बना सकते हो, जिससे आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं आगे बढ़ने के। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाई हूँ, और मैं और भी खुश होऊंगी अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपके काम आ जाए। सो गाइस, आप सबको बेस्ट विशेस, जो भी लोग एक्टिंग करना चाहते हैं या जो भी लोग अपने काम के लिए मुंबई आए हैं, सबको बेस्ट विशेस की बहुत जल्द जल्द आपका सब जगह पर काम बन जाए, हम ये प्रार्थना करेंगे महादेव से। और अभी आपका आज का जो टॉपिक था ये आपको कैसा लगा, और आप एक्टिंग के बारे में अगर और कुछ जानना चाहते हैं या आपको और पॉइंटर्स चाहिए होंगे कुछ और कि कहाँ ऑडिशन होते हैं, कैसे ऑडिशंस होते हैं, हम कहाँ ढूंढे ऑडिशंस, हम कहाँ जाए ऑडिशन के लिए, कोई भी एक्टिंग रिलेटेड आपको अगर सवाल होंगे तो कमेंट करना गाइस। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, जिससे आपको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, मैं इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। बाय बाय।